वैसे तुम जानती हो कि मंत्रियों के पास ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं कि जिसे चाहे गायब करवा दे। चाहो तो तुम पूर्णिमा की रात अपनी जिंदगी में नया सवेरा ला सकती हो, नहीं चाहोगी तो पूर्णिमा की रात तुम्हारी जिंदगी में ऐसा अंधेरा लाएगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं मारेगा मुझे। अब्बा, जीजाजी, देखो ये फिर से यहां आ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी रीत से मिलने आया। रीत जी हमारी है। आज इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल दो। तुम्हें मार देंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। यज्ञ मान जाओ हमारी बात, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। क्यों खड़े हो यहाँ पर? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बीसब, बीसब, तू कुछ नहीं करेगा। रीत, रो क्यों रही हो? क्या? हम तुम्हारी दुविधा समझ रहे हैं। हम आज ही शंभू से कहेंगे कि वो किसी भी हाल में तुम्हारे होने वाले पति को नौकरी पर बहाल करवाए। हमारे भीष्म की जान बचाने के लिए ये अपना घर ससुराल सब छोड़कर हमारे यहाँ रुक गई। सबसे पहले आप यज्ञ के खिलाफ लिखी गई शिकायत वापस लीजिए, उसे बाइज्जत नौकरी पर बहाल कराइए, और ये बात याद रखिए, भविष्य में रीत या उसके पति यज्ञ किसी पर भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज से आपकी है। रीत जी, अम्मा जी जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। आप इस घर में निश्चित तौर पर रहिए। हेलो, क्या क्या? प्रीत, कैसी हो? हमारी आवाज सुन के क्या लग रहा है? आज बहुत खुश हो? हाँ यज्ञ, हम बहुत खुश हैं। पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सस्पेंशन भी वापस हो जाएगा। मतलब मंत्री जी ने हमें वचन दिया है। चलन चाची ने उन्हें बहुत डांटा, उनसे वादा लिया है कि आज के बाद हमारे और तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। डिपार्टमेंट से लेटर आया आपके लिए। हेलो यज्ञ, मेरा सस्पेंशन वापस हो गया। सच? बस अब हम ये चाहते हैं कि भीष्म को ये एहसास हो जाए कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। बस पूर्णिमा की रात हम सब कुछ छोड़कर अपने यज्ञ के पास होंगे।